हेलो गाइस, अपना अपने यूट्यूब चैनल बेस्ट ऑफ लक में स्वागत है। तो गाइस, आज किस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूँ, गाइस दिल्ली पुलिस की तरफ से कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव पोस्ट मेल एंड फीमेल दिल्ली पुलिस 2023 का फाइनली लिंक एक्टिव हो चुका है। तो गाइस देख सकते हो, फाइनली मेरा SSC का मेरा प्रोफाइल लॉगिन कर चुका है। गाइस लॉगिन करने के बाद गाइस इस तरफ से आप लोग को फिर से इंटरफेस देने को मिलेगा। तो गाइस देख सकते हो, यहाँ पर आप लोग को कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल एंड फीमेल इन दिल्ली पुलिस एग्जामिनेशन 2023 का, तो आज से लिंक एक्टिव हो चुका है। 1 सितंबर 2023 से ऑनलाइन अप्लाई स्टार्ट हो चुका है और 30 सितंबर 2023 तक ये ऑनलाइन अप्लाई चलना है 11 AM तक। इसका लास्ट डेट ऑफ पेमेंट ऑप्शन भी दिया पर ऑप्शन दिया गया 30 सितंबर है और इसका करेक्शन विंडो ओपन होने वाला है, ये देख सकते हो 3 अक्टूबर से लेकर 4 अक्टूबर 11 PM तक ये करेक्शन ऑप्शन देने को मिलेगा। तो गाइस आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला, आप लोग को ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है, प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूँ। तो गाइस इसलिए आप लोग को वीडियो एंड तक बने रहना। तो गाइस वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जिस चैनल आप देखो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। इसी तरह हेल्पफुल वीडियो ऑल इन द गवर्नमेंट के जॉब के रिलेटेड के बारे में इसी चैनल में सारी इन्फॉर्मेशन देने को भी मिलते रहेगा, पूछते रहेगा। चैनल ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कीजिए और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूले और लाइक करना ना भूले। तो चलो वीडियो बिना तमस करके चलो आगे बढ़े, लेट गेट स्टार्टेड। तो गाइस यहाँ पर आप लोग को बताना चाहूंगा, यहाँ पर जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर का भी ऑनलाइन अप्लाई देख सकते हो। यहाँ पर 12 सितंबर 2023 तक ये ऑनलाइन अप्लाई चलने वाला है। इसका ऑनलाइन अप्लाई प्रोसेस देखना चाहते हो नीचे डिस्क्रिप्शन में आई बटन में मिल जाएगा, जरूर वीडियो देख लेना। तो चलो गाइस दिल्ली पुलिस ऑनलाइन अप्लाई करके चलते हैं। वीडियो में आप लोग को बताना चाहूंगा, वीडियो स्किप ना करें, आप लोग को इंटर देखते रहना, क्योंकि अगर स्किप करोगे तो आप लोग को समझ में नहीं आ जाएगा। अगर फाइनल सबमिशन करने के बाद अगर एडिट करना चाहते हो एडिट कर नहीं पाओगे। अगर सपोज यहाँ पर 3 अक्टूबर 2023 से लेकर 4 अक्टूबर 2023 का ऑप्शन देने का ऑप्शन मिलेगा, लेकिन आप लोग को पेमेंट चार्जेस लगेगा। फर्स्ट टाइम आप लोग को अगर करेक्शन करोगे तो आप लोग को 250 रुपीज आप लोग को फर्स्ट टाइम लगेगा और सेकंड टाइम करोगे तो आप लोग को 500 रुपीज चार्जेस लगेगा। तो इसलिए आप लोग को ये पैसा बर्बाद ना करने के लिए, तो इसलिए आप लोग को स्किप ना करें, आप लोग को एंटर देखते रहना और ये वीडियो देखने के बाद आप खुद ही ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। तो चलो गाइस अप्लाई करने के लिए सिंपली से इस तरफ से आप लोग को आपका प्रोफाइल अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो रजिस्ट्रेशन कर दीजिए, प्रोसेस भी उसका प्रोसेस भी मैंने अलग से वीडियो में बताया है। तो ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए सिंपली से आप लोग को क्या करना होगा दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हो अप्लाई बटन देख रहे हो, सिंपली से अप्लाई बटन पर क्लिक कर देना गाइस। जैसे अप्लाई बटन पर क्लिक करोगे तो गाइस इस तरफ से आप लोग को फिर से इंटरफेस देने को मिलेगा, यहाँ पर आपका नाम शो सारी ऑटोमेटिकली शो हो जाएगा। तो डायरेक्ट नीचे स्क्रॉल डाउन कर देना, नीचे स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पर आप लोग को डायरेक्ट नंबर 14 पर आ जाना। नंबर 14 पर क्या पूछा गया गाइस देख सकते हो, यहाँ पर विद द डिपार्टमेंटल कैंडिडेट ऑफ दिल्ली पुलिस। अगर आप दिल्ली पुलिस में अगर काम करें तो जो भी हो, आपका कांस्टेबल होने से भी SI जो भी हो, जिस पोस्ट से आप अगर दिल्ली पुलिस में अगर नौकरी करें तो सिंपली से आपको यस कर देना, अदरवाइज नो कर देना। तो चलो गाइस मैंने नो कर दिया गाइस। उसका बाद यहाँ पर देख सकते हो विदर सन डॉटर ऑफ सर्विंग रिटायर और बिकेस पर्सनल मल्टी टास्किंग स्टाफ ऑफ दिल्ली पुलिस। अगर मल्टी टास्किंग स्टाफ और आपका सन डॉटर जो भी हो, आपका रिटायर पर्सनल मल्टी टास्किंग स्टाफ दिल्ली पुलिस में अगर काम करते तो सिंपली से यस कर देना, अदरवाइज नो कर देना। तो चलो गाइस मैंने नो कर दिया वो भी। उसका बाद यहाँ पर गाइस देख सकते हो नंबर 16 पर हैव यू रिप्रेजेंटेड स्टेट एट द नेशनल लेवल और द कंट्री एट द इंटरनेशनल लेवल इन स्पोर्ट ड्यूरिंग प्रेसिडिंग 3 ईयर्स। अगर आप दोस्तों इसमें पूछा गया, अगर आप नेशनल लेवल इंटरनेशनल लेवल में आपके पास 3 ईयर्स का अगर स्पोर्ट, 3 ईयर्स के अंदर में अगर आपके पास स्पोर्ट का सर्टिफिकेट है तो सिंपली से यस कर देना, अदरवाइज नो कर देना। तो चलो बस मैं नो कर दिया क्योंकि मेरा पास नहीं है। यहाँ पर अगर आपको उसका बाद अगर यस करोगे तो आपको क्या करना होगा दोस्तों, आपका स्पोर्ट का डिटेल आपको फिलअप करना होगा दोस्तों। तो यहाँ पर नंबर 17 पर देख सकते हो एग्जामिनेशन था प्रीफरेंस 1, प्रीफरेंस 2, प्रीफरेंस 3 आप लोग को सिलेक्ट करना हो दोस्तों। इंडिया में जितना यहाँ पर एग्जाम सेंटर आप लोग को देने को मिलेगा, जहाँ पे आप एग्जाम सेंटर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देना चाहते हो तो आपको भी आपको हिसाब से सिलेक्ट कर लेना। तो चलो मेरा हिसाब से मैंने सिलेक्ट कर दिया प्रीफरेंस 1, मैंने सिलचार दे दिया। उसका बाद गाइस देख सकते हो चलो मैंने प्रीफरेंस 2 गुवाहाटी मैंने डाल दिया। उसका बाद गाइस देख सकते हो मैं जोरहाट में सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसका बाद यहाँ पर गाइस देख सकते हो इसमें क्या पूछा है, नंबर 13 पर दोस्तों देख सकते हो विदर एक्स सर्विसमैन, अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो सिंपली से यस कर देना, अदरवाइज नो कर देना। तो चलो गाइस मैंने नो कर दिया क्योंकि मैं एक्स सर्विसमैन नहीं हूँ। तो गाइस उसका बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करना, नीचे स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पर क्या पूछा है नंबर 20 पर देख सकते हो विदर सीकिंग एज रिलेक्शन, अगर आपको एज रिलेक्शन चाहिए तो सिंपली से यस कर देना, अदरवाइज नो कर देना। तो चलो गाइस मैंने नो कर दिया क्योंकि मैं एज रिलेक्शन नहीं चाहे। उसके बाद यहाँ पर नंबर 21 पर पूछा गया आर यू ए नेशनल कैडेट कॉर्प, अगर आपके पास NCC का सर्टिफिकेट है तो सिंपली से यस कर देना, अदरवाइज नो कर देना। अगर यस करोगे तो आपका NCC का सर्टिफिकेट लेवल यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा, आपका NCC का सर्टिफिकेट क्या है ABC होता है, तो आपको भी आपको हिसाब से आपका NCC का सर्टिफिकेट सिलेक्ट कर लेना। तो चलो मेरा पास NCC का सर्टिफिकेट है, मैंने नो कर दिया। उसके बाद नंबर 22 पर पूछा गया डू यू
possesses degree post graduate diploma awarded by Rashtriya Raksha University. अगर राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी में अगर डिप्लोमा ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट अगर किया है तो सिंपली से यस कर देना, अदरवाइज नो कर देना। तो चलो मैंने नो कर दिया। उसके बाद यहाँ पर पूछा है हाईएस्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, आपका हाईएस्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, तो यहाँ पर देने को मिलेगा। तो आपको भी आपके हिसाब से आपका हाईएस्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सेलेक्ट कर लेना। तो मैं हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्लास 12 मैंने सेलेक्ट कर दिया। उसके बाद यहाँ पर डिटेल ऑफ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन डिटेल सिंपली इस बटन पर क्लिक कर देना। तो आपको कौन सा वाला सेलेक्ट करना, 12th ये आप लोग को सिलेक्ट कर लेना। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप लोग को पूछा गया यूनिवर्सिटी बोर्ड देख सकते हो, सिंपली से इस बटन पर क्लिक कर देना। जैसे इस बटन पर क्लिक करोगे तो गाइस जिस बोर्ड से आपने पास किया है तो यहाँ पर इंडिया में जितना बोर्ड है यहाँ पर देने को मिलेगा। तो आपको भी आपको हिसाब से आपका बोर्ड का नाम तो सिलेक्ट कर लेना। तो चलो गाइस आपको भी आपको हिसाब से आपका बोर्ड का नाम सेलेक्ट कर लेना। तो गाइस आपका बोर्ड का नाम यूनिवर्सिटी बोर्ड का नाम सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपका रोल नंबर सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद यहाँ पर आपका सब्जेक्ट क्या क्या है इस पर डाल देना। उसके बाद यहाँ पर गाइस देख सकते हो आपका कौन सा ईयर में आपने क्लास 12 पास किया है, आपका ईयर ऑफ पासिंग डाल देना। उसके बाद यहाँ पर अगर आपका क्लास 12 पास में परसेंटेज वैसे तो परसेंटेज सेलेक्ट कर लेना, अदरवाइज अगर सीजीपीए है तो सीजीपीए सेलेक्ट कर लेना। तो चलो गाइस आई होप आप लोग को समझ में आ गया दोस्तों। तो चलो गाइस आपको भी आपको हिसाब से सारी फिलअप कर लेना। तो चलो मेरा हिसाब से मैं फटाफट से सारी फिलअप करता हूँ। तो गाइस देख सकते हो फाइनली मैंने फिलअप कर दिया। सारी फिलअप करने के बाद नीचे स्क्रॉल डाउन कर देना गाइस। नीचे स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पर फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करना होगा दोस्तों। फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करने के लिए गाइस यहाँ पर देख सकते हो फोटो का साइज 20-50 KB के बीच में आपको अपलोड करना होगा दोस्तों। और सिग्नेचर की बात करें तो 10-20 KB के बीच में अपलोड करना होगा गाइस। फोटो आप लोग को फोटो अपलोड करने के लिए सिंपली से आपको क्या करना है दोस्तों, चूज फाइल बटन पर सिंपली से क्लिक कर देना गाइस। जैसे चूज फाइल बटन पर क्लिक करोगे तो गाइस जहाँ पे आपका साइज फोटो साइज बना के रखा है तो आपको भी आपके हिसाब से आपका फोटो सेलेक्ट कर लेना। तो गाइस देख सकते हो फाइनली मेरा फोटो मैंने सेलेक्ट कर दिया गाइस। फोटो के ऊपर इस तरफ से आप लोग को क्या करना है दोस्तों, जिस दिन आप अप्लाई कर ले उस दिन का डेट मेंशन करना जरूरी है। एसएससी तो आप लोग को पता है दोस्तों, अगर फोटो के ऊपर डेट मेंशन नहीं करोगे तो आपका फॉर्म 100% आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो इसलिए आप लोग को गाइस आप लोग को ये आप लोग को भूलना मत। तो आप लोग को ये फोटो के ऊपर आपको डेट मेंशन जरूर कर लेना। तो इस तरफ से आप लोग को आप डेट मेंशन कर लेना। तो सिग्नेचर भी अपलोड करने के लिए सिंपली से आप लोग को क्या करना होगा गाइस, चूज फाइल बटन पर सिंपली से क्लिक कर देना गाइस। जैसे चूज फाइल बटन पर क्लिक करोगे तो गाइस जहाँ पे आपका सिग्नेचर साइज बना के रखा है तो आपको भी आपको हिसाब से आपका सिग्नेचर सेलेक्ट कर लेना। तो चलो गाइस मेरे हिसाब से मेरा सिग्नेचर मैं फटक से मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो चलो गाइस देख सकते हो फाइनली मेरा फोटो एंड सिग्नेचर फाइनली अपलोडेड हो चुका है। तो उसके बाद यहाँ पर गाइस देख सकते हो यहाँ पर आप लोग को क्या करना, विदर द फोटोग्राफ हैज बीन टेकन ऑन आफ्टर 1st June 2023 सिंपली से आप लोग को यस करना जरूरी है। अगर यस नहीं करोगे तो आप लोग का फॉर्म सबमिट नहीं होगा। तो आप लोग को यस करना जरूरी है, यस कर लेना। उसके बाद नीचे स्क्रॉल डाउन कर देना गाइस। नीचे स्क्रॉल डाउन करने के बाद ये आप लोग को टिक मार्क देख रहे हो गाइस, सिंपली से आई एग्री बटन चेक कर देना। उसके बाद ये कैप्चा आपको देख रहे हो गाइस, सिंपली से इस पर डाल देना। उसके बाद प्रीव्यू ऑप्शन बटन पर क्लिक कर लेना। तो चलो मैं फटाक से मैं डाल लेता हूँ कैप्चा। तो चलो गाइस देख सकते हो फाइनली मेरा कैप्चा भी मैंने भर दिया। कैप्चा भरने के बाद सिंपली से आप लोग को प्रीव्यू ऑप्शन बटन पर क्लिक कर देना गाइस। जैसे प्रीव्यू ऑप्शन बटन पर क्लिक करोगे तो गाइस इस तरफ से आप लोग को फिर से इंटरफेस देने को मिलेगा। उसका मतलब आप लोग को फाइनल सबमिशन करने से पहले आप लोग को प्रीव्यू ऑप्शन आ रहा है गाइस। देख सकते हो फाइनली ये इस तरफ से आप लोग को फाइनल सबमिशन करने से पहले आप लोग को अगर एडिट करना चाहते हो तो एडिट भी कर सकते हो। तो चलो गाइस आपको भी आपको हिसाब से फाइनल सबमिशन करने से पहले आपको क्या करना दोस्तों, अच्छा से देख लेना। तो चलो मैं अच्छा से मैं देख लेता हूँ। तो चलो गाइस देख सकते हो फाइनली मैंने अच्छा से देख लिया, पूरा सही है। अगर गाइस एडिट करना चाहते हो, मॉडिफाई करना चाहते हो फाइनल सबमिशन करने से पहले, एडिट मॉडिफाई बटन पर क्लिक कर देना। जो भी गलत है तो मॉडिफाई एडिट कर सकते हो। अगर उसका बाद पूरा सही है तो सिंपली से आप लोग को क्या करना दोस्तों, सबमिट बटन पर क्लिक कर देना गाइस। जैसे सबमिट बटन पर क्लिक करो तो इस तरफ से आप लोग को फिर से इंटरफेस देने को मिलेगा। इसमें क्या पूछा गया, यू कैन नॉट एडिट आफ्टर फाइनल सबमिशन, सो चेक ऑल डिटेल केयरफुली, क्लिक ओके इफ यू वांट टू सबमिट। इसमें बताया गया अगर एक बार सबमिट करोगे तो दोबारा से आपको करेक्शन ऑप्शन नहीं मिले, इसलिए अच्छा से देखने के बाद अगर पूरा सही है तो ओके बटन पर क्लिक कर लेना। तो चलो मैंने अच्छा से देख लिया, पूरा सही है, ओके बटन पर सिंपली से क्लिक कर देना गाइस। जैसे ओके बटन पर क्लिक करोगे तो गाइस देख सकते हो फाइनली डाटा सबमिटेड हो चुका है। लेकिन इसमें क्या बताया गया दोस्तों, इसमें क्लोज ऑप्शन आ रहा है, लेकिन डाटा सबमिटेड हो चुका है तो आप लोग को क्लोज कर लेना गाइस। देख सकते हो फाइनली सबमिटेड हो चुका है। तो गाइस आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा दोस्तों। अगर प्रिंटआउट फॉर्म लेना चाहते हो तो प्रिंटआउट फॉर्म भी ले सकते हो। तो चलो गाइस वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। इसी तरह हेल्पफुल वीडियो ऑल इंडिया गवर्नमेंट के जॉब के रिलेटेड के बारे में इसी चैनल में सारी इन्फॉर्मेशन देने को भी मिलते रहेगा, पूछते रहेगा। चैनल ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कीजिए, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूले और लाइक करना ना भूले। और तो चलो गाइस नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे।